मैं दीपालु चौहान, रोड़ू तहसील, डिस्ट्रिक्ट शिमला, हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हूँ। मैं 27 साल पहले आई थी, जब मेरे पिताजी का घर जलाया गया था। उनकी डेथ के बाद मैं यहीं रह गई, और वजह यह है कि जो मैंने ट्रीटमेंट, जो बर्ताव देखा जानवरों के प्रति, स्पेशली डोमेस्टिक जानवर, गाय हो, घोड़ा, खच्चर, कुत्ता, वो अनएक्सेप्टेबल था मेरे लिए। और तब से मैं इनको रेस्क्यू करने लगी, और अभी भी इतने सालों में मैंने करीबन 3,500 जानवर बचाए हैं, और ये काम मैं अकेला और अपने लेबर के साथ किया है इतने सालों में। मैंने सुना है उनके बारे में कि मैम को क्या सोचते, मैम को तो ये सोचते थे कि ये तो पागल है। अरे उन लोगों को ये पता नहीं है कि पागल नहीं, आप लोग पागल हो। देखो जो इतना काम करे, अपने पैसे लगा रही है, इतने कुत्ते कोई ऐसे आम आदमी नहीं पाल सकता, इतने जानवर कोई आम आदमी नहीं रख सकता। जिस हिसाब से वो कर रही है, कोई नहीं कर सकता इतना उससे, क्योंकि अपने पैसों से कोई भी इतना वो नहीं चला सकता। विंटर्स में यहाँ पे फॉर्डर की प्रॉब्लम रहती है पशुओं के लिए, और फॉर्डर वो बहुत सारा फॉर्डर जो है पंजाब वगैरह से मंगाती है हमसे। मेरी सुबह ऐसे ही शुरू होती है, नहा धो के पहले अपना दिया जला के, एंड जितना जल्दी हो सके मैं अपना दिन शुरू करना चाहती हूँ। बिकॉज ये एक जेस्चर है मेरा फॉर ऑल द ग्रेटिट्यूड दैट आई हैव फॉर द पास्ट अबव। तो बिल्लियों में है प्रॉब्लम, यू नो, ये एक दूसरे को एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगती है। कुछ महीनों में मैं ग्रेजुअली रिलीज करूँगी अपने ज़मीन में। दे ऑल ये सब रेस्क्यूज हैं, और वो जो आप देख सकते हैं, ये जो खारी हैं, अभी इनको किसी को प्लास्टिक के उसमें फेंका था कैसे कैसे, और अब ये फ्री हो गई हैं। इनफैक्ट ऑल 3 आर मदर्स, और खुश रहेंगे। ये दाल भिगो के धो के रख ली, अब हम बनाएंगे मेन कुत्तों का खाना। ये वो छोटे छोटे बच्चे हैं, यू नो, 4 और 5 हफ्ते के, दो डस्टी और टेडी, तो उनके लेने जा रही हूँ। ये मेरे पपीज हैं 7, इतने अच्छी तरह तो नहीं दिख रहा है अभी, पर ये बहुत सिवियरली हैंडीकैप्ड है रिकेट से, एक दो तो थोड़े थोड़े ठीक हैं। मौली आ जाओ बाबू, फूड चेस्ट अराउंड देयर, यो ला, आओ, दे लव ये ड्राई फूड, सो दैट्स वन वे, आओ मेरा मौली। बहुत ही छोटी उम्र है ये डस्टी, ये ब्लू आईज वाला मेरा डस्टी, आई थिंक ये मुश्किल से 3 हफ्ते का भी नहीं होगा जब ये रेस्क्यू किया था, और ये होगा समझो 5 हफ्ते का जब इसको हमने किया। इसकी चारों टांगे बांधी हुई थी, उसकी 2 टांगे बांध के नाले में फेंका हुआ था। अभी मैं आऊँगी, है ना, अब बिल्लू के लिए लाती, है ना, नाले में पहले थोड़ा सा खाओ, नहीं तो पेट खराब हो जाता है। क्या खा रही, हाँ, ये एक दूसरी रेस्क्यू है, इसके बहुत छोटे बच्चे वहाँ हैं, अभी ला रहे हैं। इसको अपना मीट चाहिए और ड्राई फ्रूट मैं अभी थाली में दूंगी, सो आई जस्ट कम, अभी आ रही हूँ, आई जस्ट वांट टू चेक। ये मेरा ये बेबी बनाट, बिकॉज ये बिल्कुल बनाट की शक्ल का है। अच्छा, अभी आऊँगी आप। डैनियल, अभी ला लूँ पानी, ला लूँ, ओके। पानी पीना,
अभी मामा लाए पानी पिएगी मेरी बेटी. What? She's severely hurt. इनको हमने शिफ्ट करना है बिकॉज हमारे जो कुत्ते हम खोलते हैं ये बहुत मेरे बिल्लू मार दिए इन्होंने. ये 6 बचे हैं. ये दीवार लैंडस्लाइड में चली गई थी. एक डॉग जब मेरा भी घर जलाया था 6 years ago हमारे 2 घर जलाए हैं यहाँ नीचे पुजाली में. बहुत सारे होटल होते थे तो उन लोग वो रात को बहुत लेट बंद करते थे. तो उन्होंने इसकी कहानी बताई मुझे कि मैडम इसको हमने जून के महीने में गर्मी में एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी थी और बोलते रात को डिक्की उन्होंने खोली जब बोलते वो कहीं विजिट करने आए होंगे वो लोग. और उन्होंने जो टेप या रस्सी कुछ बांधा हुआ था इसके मुंह पे और ये हाथों को तो वो उन्होंने काटा. वो काट के इसको बाहर निकाला और जल्दी से गाड़ी में बैठ के निकल गए. कुछ महीनों बाद यही कुत्ता जब मेरा घर जलाया 5 दिन लगे उस घर को जलते जलते. तो ऑब्वियसली मेरे पास तो छत नहीं थी. हमने जानवरों के लिए टेंट बना लिए कैनवस. लो एक 2 लोगों ने कुछ कैनवस मुझे डोनेट किया तो मैंने टेंट बना लिया. और जानवरों को तो रूफ मिल गई थी मुझे नहीं थी. और बर्फ आने वाली थी तो ये कुत्ता बर्फ में भी मेरे साथ बैठता था जब हमारे पास छत नहीं थी. नो डॉग इज कम दिस साइड. कम 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 कम. ये डेफिनेटली ये होगा कि अब ये किनौरी कुत्ता निकालो और एक ब्रीड का ब्रीडर से ले आए होंगे कोई डॉग है ना तभी निकाला होगा. इज अ ब्यूटिफुल डॉग. और ये तो ऐसा था. अब मैं जब मैंने इसकी हेल्थ बना दी सब कुछ कर दिया तो लोग इसको लेने लगे यू नो ले जाने की कोशिश कर रहे थे. मैंने गाय को देखना है उसकी आज हालत काफी खराब है. मामा इसका टू मैनी फ्लाइज है ना. अब सुबह फिनाइल वगैरह डाल के गई है. बाबू मेरे बच्चे मेरा बाबा ना? अब जब शाम को मेरे आदमी आएंगे एक तो मक्खियां इतनी आ जाती शाम को आएंगे तो हम इसको थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे. और अब इसको ब्रीदिंग में बहुत प्रॉब्लम है. इसको आई एम जस्ट प्रेइंग कि शी गोज सेफली बिकॉज पहले 15-20 दिन तो इसने अच्छा खाया पिया. मामा पानी देगी अभी. गुड गर्ल गुड गर्ल गुड गुड. हाँ मेरे बच्चा अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और हम दीपाला जी के घर जा रहे हैं अपने रेस्ट हाउस से. ये वॉक लगभग 20 से 30 मिनट का है जो कि दीपाला जी को हर बार तय करना पड़ता है जब वो किसी डॉग को रेस्क्यू करने जा रही होती है. उन्हें कोई सामान चाहिए होता है नीचे से. इसी में बांधो पर ये देखो कि पेड़ के गोल नहीं जाए इतना तक रखना. ये आजकल घास की कमी है इसलिए हमको बीच बीच में बगीचे में हम बांधते हैं ताकि इनका जा मेरा बेटा जा. इनकी टांगे बहुत कमजोर है तो इसलिए अगर हम बगीचे में चढ़ाई में या कहीं भी इनको पैदल चलाने की कोशिश करें गिर जाती है तो इसलिए वो बाकी वहाँ खड़े हैं और जो थोड़ा बहुत चलते हैं उनको हम बांधते हैं. अच्छा आ जाओ बच्चे. ये बहुत ही बूढ़ी है और इसको हमने सर्दी में रेस्क्यू किया था तो अब इसकी तबीयत कुछ ढीली हो रही है. कुछ दिनों से पानी नहीं पी रही है चल नहीं सक रही है यू नो. आ जाए मेरा बेटा. वाह मेरे बाबू
चल चल आराम आराम से जाएंगे, अच्छे घास में बांधे मुझे। ऐसी थोड़ी सी गुस्से वाली है हमारी बेटी। ये खतरा होता पहाड़ों में कि कहीं ये गिरे नहीं, बिकॉज तब मुझे खुद आना पड़ता है। यहाँ पर तो घास भी नहीं होना, घास ये यहाँ चढ़ेगा ऊपर या ये चुल्लू में बांधो। अब ये गाय जो है मेरी, आप हैरान होंगे, पिछले अप्रैल में आई थी। और आप अगर मैं बताऊं कि ये 6 महीने नाले में थी और घुटनों में आई है, ये घुटनों में घुटने में चल के आई है। सो यू कैन इमेजिन, इसको नीचे नाले से मेरे घर तक चलना कोई 5.5 घंटे लगे। और आप देखेंगे कि इसको जिसने भी फेंका है, ये बैंक से लोन लेके गाय ली है, इसका वो छेद है। ये अब काफी रीसेंट रेस्क्यू है। इसके मालिकों ने इसको रात को 11:30-12 बजे बोलते डंडे मार मार के गाड़ी से उतारी और ऐसी जगह चढ़ा ली जहाँ ये मुड़ नहीं सकेगी, अगर मुड़ेगी तो गिरेगी। इसको तो कोई 20-21 बार द्राट से काटा हुआ था, नई नई टांग तोड़ी हुई थी, तारों के निशान थे, उसका मतलब इन्होंने पहले ये टांग तोड़ते हैं और तब वो बांध देते हैं ऐसी। और इसको इतना मारा हुआ था कि इसकी आंख अंधी है, अंधा है ये। जो हम कल बात कर रहे थे उस गाय के लिए, और उसको भगवान ने खुद ही ले गए क्योंकि 2 दिन से वो खारी नहीं थी। तो हमको थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताता है कि अब ये बचेगी नहीं। जो यहाँ की लोकल भाषा में है, इनको डंगर बोलते हैं। डंगर का क्या मतलब है? जिसका दिमाग नहीं। ये प्रोबेबली ये प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी। अब किसी ने ये नहीं देखा क्यों नहीं हुई प्रेग्नेंट, क्योंकि ये जब बच्ची थी इसको कभी दूध ही नहीं मिला, इसकी फिजिकल डेवलपमेंट नहीं थी। वैसे तो बहुत बड़ी नस्ल थी ये, तो इंसेमिनेशन से पैदा हुई होगी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से। अब आप इंसान को ले लो, अभी अगर उसका बच्चा पैदा हुआ और उसको दूर बांध दो, है ना, बहाने सब औरतें करती है, कोई अंदर ले जाता है बोलते हम तो बहुत अच्छी तरह रखते बच्चा। मेन रीजन ये होता है कि वो बच्चा दूध नहीं पिए, खुद पीना है उन लोगों ने, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, जहाँ भी। ये गाय का इतना एक्सप्लॉयटेशन जो सदियों से आ रहा है, कृष्ण भगवान जहाँ भी है अभी, वो खून के आंसू रो रहे होंगे। इंसान की माँ इतनी अच्छी नहीं होगी जिनकी इनकी माँ होती है, अपनी जान देने को तैयार होती है इनके अपने बच्चे के लिए, और उसके सामने उठा के बच्चे को फेंक देते या भूखा, है ना, या कोई बहाना करेंगे, नहीं हम तो बहुत अच्छी तरह रखते बच्चे को, हम तो अंदर ले जाते घर में। मेन मकसद ये है कि बच्चा दूध नहीं पिए, इतनी लालच क्यों? अभी भी अगर मैं याद करूं कि कैसे कैसे मेरे गाय और कुत्तों के साथ क्या क्या हुआ हुआ है, तो अब भी मेरा दिल टूटता है। पर नहीं, मैंने तो जीना है इनके लिए, हाँ, और यहाँ कुछ बना के छोड़ना है, भले कोई आए मेरे साथ या नहीं आए, मुझे उसकी परवाह नहीं। मैं इसीलिए अच्छे लोगों को रिक्वेस्ट कर रही हूँ, है ना। और तभी मैंने रॉबिन से बोला था कि एक ब्रांच खोल दो, क्योंकि यहाँ के बहुत सारे आए कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, कहाँ गए, सब गुम। इमेजिन, एक तरफ बोल रहे हैं गाय माँ, हाँ गाय माता, और दुनिया में नंबर 1 और 2 हमेशा अप एंड डाउन अर्जेंटीना के साथ होता है फॉर बीफ एक्सपोर्ट। अब मैं कुछ 3-4 साल पहले जब दिल्ली गई थी तो मैं मिली थी एक्टिविस्ट से थोड़े, तो उन्होंने बोला कि 27,000 करोड़ तो अभी मिला था इंडिया को फॉरेन एक्सचेंज में बीफ से, और अब ये गवर्नमेंट आई है तो 1,000 करोड़ और की बीफ गई। तो शर्म आनी चाहिए, एक एक आदमी और औरत को यहाँ शर्म आनी चाहिए। ये गाय यहाँ से सब स्लॉटर के लिए जाती है, है ना, चुपके से जंगलों में काट लेंगे, तब बनाएंगे वीडियो और दिखाएंगे सबको ये हिंदू मुस्लिम। नो, यहाँ ओनली हिंदूज हैं, है ना, और ये इनसे पूछो आपने अपने बच्चों कहाँ डाले, इनसे पूछो, है ना। अब मैं चाहती हूँ कि फ्यूचर के लिए ये ज़मीन एनिमल सेंचुरी, एनिमल हॉस्पिटल, एनिमल वेलफेयर के लिए जाए, और वही वजह है जो मैं आज कैमरा पे हूँ और मैं आपसे बात कर रही हूँ।
तब जानवर अब शाम के लिए रिटायर हो गए हैं, उनको खाना हो गया है, गाय को घास हो गया, सब कंफर्टेबल है। सो अब मैं अपना काम करूंगी 1-1.5 घंटे और सोने से पहले 11-12 बजे एक राउंड मेरा और लगेगा, जस्ट चेक करने के लिए कि सब ठीक है, और जो हम कुत्ते शाम को खोलते हैं अब हम खोल देंगे उनको, और तो वो रात भर बाहर होंगे और चौकीदारी भी करते हैं और जनरली अपनी मतलब बाहर के बाहर खुश रहते हैं बाहर, और ये सुबह आएंगे, यू नो 5:36 बजे आएंगे सुबह, और तब न्यू डे। सो आई विल से गुड इवनिंग एंड आई विल गो।